23 वर्ष तले थिले मोस्ट वांटेड दुर्दांत अपराधी कही पुलिस रखी थिला 45,000 इनाम 23 वर्ष भितरे बदली जाइछि चेहरा बदली परिचय अपराधी रु पालटी जाइछंती सन्यासी तथापि खसी पारि नाहंती आईन रो पंछारु सन्यासी रूपी अपराधी को धरिबा को पुलिस पालटी गला बाबा ओडिसा रो पद्मचरण को नै एबे सबुआडे चर्चा गंजम जिल्लार पद्मचरण पंडा ओरफ राकेश सन्यासी रूपी एही अपराधी को पूरा कहानी सुनिले मुंडरे हाथ देबे आपण दीर्घ 23 वर्ष धरी सूरत पुलिस को नाकरे पियाइथिले पाटी किंतु कथारे कहंती ना अपराध केबे लुचेनी अपराधी केबे भी बर्ती पारेनी भल भावरे देखंतु एही चेहरा को मुंडरे चोटा आउ दाढ़ी एकदम साधु बेश किंतु एही भद्र मुखा तले लुचि रहिछंती जणे दुर्दांत अपराधी 23 वर्ष तले सूरत रे रही काम करथिबा पद्मचरण थिले एक हत्या मामलार मोस्ट वांटेड अपराधी ए मामला एमिति सेमिति नुहे दुई दशंधि तले गुजरात सूरत पुलिस को नाकेदम करथिले पद्म 3 सेप्टेम्बर 2001 मसीहा सूरत शांतिनगर अंचल रहुथिबा पद्म फसीथिले त्रिकोणीय प्रेम संपर्क निज पड़ोसी रहुथिबा जणे युवती को भल पाई बसीथिले पद्म किंतु सही युवती प्रेमिक घर को जीवा आसवा करुथिले जहाँ सही नपारी युवती प्रेमिक विजय शिवदास को हत्या करथिले पद्मचरण वो स्थल ऐसा है जहाँ धार्मिक भावना के साथ लोग जाते हैं और पुलिस जाती है तो वो दूर से दिखती है तो ऐसे में हमारी पुलिस ने भी पुजारी धार्मिक श्रद्धालु भाविक इसी तरह का वर्तन किया इसी तरह का वेश पलटा किया इसी तरीके से सफलता पुलिस को मिली। कोई भी अपराधी बहुत आसानी से नहीं करता लेकिन हमारे पास सभी एविडेंसेस थे पुरावे थे और उसको जब ये बताया गया तो उसने भी स्वीकार किया कि वही आदमी है। हत्या परे पद्मचरण सूरत रु निज घर गंजाम जिला ब्रह्मपुर श्रीरामनगर आउ परे मथुरा को जाई निज परिचय बदलाई दिथिला केही जेपरि जानि परिबेनि सेथिपई साजी जाइथिला साधु पद्मचरण रु सीधा गौरांग चंद्र एहारे भितरे मथुरा कुंज कुटीर रे पद्म थिबा खबर जानिबा को पाइथिला सूरत पुलिस आउ आरंभ करथिला ऑपरेशन सूरत पुलिस रो तीन जन अधिकारी एएसआई सहदेव ओ जनार्दन शर्मा एवं हेड कांस्टेबल अशोक लुनी खोद सन्यासी ओ श्रद्धालु बेसरे आश्रम रे रहिथिले तीन दिन धरी लगातार नजर रखिबा परे धरा पडिथिला अभियुक्त ये आरोपी उधना एरिया में मर्डर इसने किया था एक ऐसे व्यक्ति का जो उसी महिला के साथ प्रेम में था जिसके साथ ही अपराधी भी एकतरफा प्रेम करता था तो अपने प्रतिद्वंदी का मर्डर किया और अपने मित्रों की मदद से खाड़ी में डेड बॉडी को फेंक कर यह आदमी सूरत छोड़ के चला गया था। जैसा मैंने बताया ये मूल गंजाम उड़ीसा का रहने वाला था सूरत में भजिया का बिजनेस करता था यहाँ से भागने के बाद यह आदमी उत्तर प्रदेश गया पुलिस से बचे रहने के लिए इसने अपना भेष भी बदला साधु के रूप में रहना शुरू किया अभी यह कुंजकुटी आश्रम नंदगांव मथुरा उत्तर प्रदेश से इसको अरेस्ट किया गया है पुलिस ने ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस की बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई जिसके अंत में इसको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है इसके लिए 45,000 रुपया का इनाम भी तैयार किया गया था जो इस टीम को दिया जाएगा। सतरे कानून रो हाथ बहुत लंबा अपराधी जेते बेस बदलाइले भी आईन आखिर लुचि पारे ना दीर्घ 23 वर्ष पर सन्यासी रूपी अपराधी को धरवा पर एक सत प्रमाणित हो सूरत शैलेश रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।